वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में मिले शर्मनाक हार के बाद सामने आए राहुल द्रविड़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के हार का कारण बताते हुए जब सिलेक्टर की कमेटी को लिया आड़े हाथों, तब सबने कहा बहाना बना रहे कोच महोदय। तो कुछ क्या कुछ कहा भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की शर्मनाक हार पर, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। गौरतलब है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज का समापन हो चुका है और भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के सामने हथियार डालते हुए एकदम शर्मनाक हार को दर्ज किया है। ऐसे में आपको बता दें कि सीरीज से पहले मुकाबले से भारतीय टीम को वेस्टइंडीज में झटका देना शुरू कर दिया था, जहां पहले मुकाबले में उन्होंने भारत को 4 रन से मात दी थी, जिसके बाद फैंस को लगा कि भारतीय टीम यहां से कमबैक करेगी। लेकिन इसके बाद अगले मैच में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा और एकदम जीत के मुहाने पर जाकर भारतीय टीम ने वो मैच भी 2 विकेट से गवा दिया और भारतीय टीम पहले 2 मुकाबले में हार का सामना कर सीरीज भी बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी थी, जिसके बाद एक बार फिर से भारतीय टीम ने फाइट बैक करना शुरू किया और 3रे मुकाबले में सूर्य कुमार और तिलक वर्मा की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत 3रा और गिल और जसवाल की जोड़ी ने बदौलत 4था मुकाबला जीतने में कामयाबी दर्ज की, जिसके बाद सीरीज का पूरा निर्णय रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में जा टिका, जिसको जीतकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। लेकिन तभी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने भारत के प्लान पर पानी फेरते हुए निर्णायक मैच अपने नाम किया और भारतीय टीम को 5 मैच की सीरीज में मात्र 2 मैच जीतने का अवसर प्रदान किया। ऐसे में पिछले दिन के एक वीडियो में यह बताया था कि हार्दिक पांड्या ने भारत के हार पर क्या कुछ कहा। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की हार का पूरा ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सिलेक्टर्स पर फोड़ा है, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे पास बदलाव के लिए खिलाड़ी ही नहीं थे, हम रिसोर्स की कमी के साथ मैदान पर यहां पूरी तरह सीरीज खेलते आए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आगे बताते हैं आपको। बकौल बतौर राहुल द्रविड़, यहां जो टीम हमने उतारी थी उसमें हमें वो छूट नहीं मिली जिससे कि हम टीम संयोजन में बदलाव कर सकें, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम बेहतर कर सकते हैं। बल्लेबाजी में गहराई लाना ऐसा ही एक क्षेत्र है जिस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से हर संभव सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम गौर कर सकते हैं। हम अपनी गेंदबाजी को कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बल्लेबाजी में कुछ गहराई रहे। तो आपने सुना कि कैसे भारतीय टीम के कोच ने हार का पूरा जिम्मा भारतीय टीम के सिलेक्टर्स के माथे डाल दिया, और उनकी सारी बातें गलत भी नहीं थी। उन्होंने बल्लेबाजी में ऑप्शन न होने की बात कही, वो बहुत हद तक सही भी थी। ईशान किशन को छोड़ दें तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो टीम में ना हो। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो अब उठना शुरू हो गया है वो ये है कि अब से कुछ दिनों पहले जो दावा हार्दिक पांडे ने किया था कि भारतीय टीम के पास इतना बेंच स्ट्रेंथ है कि 2 से 3 टीमों के साथ एक दिन अलग अलग स्थान पर मैच खेल सकती है और जीत सकती है, क्या वो सिर्फ हवा हवाई बातें थी, क्योंकि धरातल पर तो ये बिल्कुल भी काम करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो कुछ भी राहुल द्रविड़ ने भारत की हार पर कहा क्या वो सच्ची बात है या फिर बहाने हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।